एक छोटे से जर्रे को पहाड़ बना दिया आपने। वैसे अक्सर यही होता है कि जब हम खुद लिख के देते हैं तो तारीफ क्यों होती है। शॉर्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो खाबिर आई नहीं होगी, और दिस इज अ वेरी यूनिक एल्बम, पूछिए क्यों, क्योंकि इसको गाने वाला भी सरदार जी है और लिखने वाला भी सरदार जी है। शायद गजल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि किसी गजल एल्बम को गाया भी सरदार जी ने, तो जरूर जाहिर है कि ये असरदार एल्बम होगी। राजीव भाई को जब मैं मिला तो मुझे इनकी शायरी ने, इनकी पोइट्री ने, इनके अल्फाजों ने बड़ा मुतासर किया, बड़ा इंस्पायर किया, और वो इसलिए क्योंकि आसान लफ्जों में, आम फहम जबान में ये बहुत गहरी बात कहने का हुनर रखते हैं, और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में यही बहुत ज़रूरी है कि आप आम जबान में आप अपनी बात को कह जाएं। मैं वैसे बाहर आ रहा था तो किसी पंजाबी भाई ने पूछा, ओ पाजी वो तो सब ठीक है लेकिन खाबीदा ना मतबल किया है। तो मैंने कहा कि भाई ख्वाब तो आपको पता होगा भीम, और खाबीदा यानी भीमी। सो एक ख्वाब हमने मिलकर देखा जिसका नतीजा ये खाबीदा एल्बम है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी दुआओं से हमें नवाजेंगे। मैं भवंस कल्चरल सेंटर का, ललित भाई का, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यू आर लाइक ए फैमिली, यू आर ऑलवेज विद मी विद अस टाइम्स म्यूजिक का, और हमारे तमाम हजरात गेस्ट ऑफ ऑनर्स, विशाल जी यू आर ए फैमिली, रेखा जी, अनूप जी, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, आपको सुन सुन के, जो भी थोड़ा बहुत हम गाते हैं ये आप लोगों को सुन के, देख देख के हम गाते हैं। दुर्गा जी, कविता जी, अलका जी, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एक फ़ोन किया और आपने हाँ कर दिया इन स्पाइट ऑफ अ वेरी बिजी शेड्यूल, थैंक यू सो मच। और मेरे तमाम दोस्त जो आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, अगर आप लोग रुकेंगे लॉन्च के बाद में तो मैं सबका नाम लूँगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग, और मैं राजीव भाई से कहूँगा कि आप सबसे मुखातिब हों। चरण वंदना से अपनी बात का आगाज करूंगा। मेरा पहला नमन, मेरा पहला नमन उन सबके चरणों में जो आज के इस दौर में भी अर्थपूर्ण अल्फाजों, मयारी मौसीकी और गुणी गायकी के खरीदार हैं। मैं नतमस्तक हूं भवंस कल्चरल सेंटर, ललित जी, नम्रता जी, चांद भाई, पत्रकार समुदाय, टाइम म्यूजिक और गौरी जी के सामने नुकादर हूं उन सब हस्तियों का जो हर लिहाज में मुझसे बड़ी है, लेकिन जिनके प्यार ने हमें ये हौसला दिया कि हम उन्हें अपनी जुर्रत में भागीदार होने के लिए न्योता दें, और ये इनकी महानता है कि इन्होंने हमारा बुलावा स्वीकार कर लिया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अनूप जलोटा जी, अलका याग्निक जी, विशाल भरद्वाज जी, रेखा भरद्वाज जी, कविता जी, दुर्गा जी, तुचि रैना जी। कला जगत के दिग्गजों के चरणों में नतमस्तक हूँ, रमेश तिवारी जी, राजेश्वरी सहदेव जी, अभी कुछ पहुंचे नहीं होंगे पर रिकॉर्ड हो जाएगा, वरुण वडोला जी, राकेश बेदी जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, सुलभा आर्या जी, साधना सिंह जी, संगीता बबानी जी, मनीष वत्सल्या जी, संजय कैनी जी, डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर जया सिन्हा जी, अशोक बिंदल जी, उज्ज्वल चटर्जी, हरप्रीत जी, मीनल जी और फिरोजा जी। दोस्तों, आज से करीब 3500 साल पहले शतरंज का आविष्कार इसी खित्ते में सीजा ने किया था। एक गीत ऐसा है जो घर घर में सुना जाता है और बड़ी श्रद्धा से,
इतनी शक्ति हमें देना चाहता हूँ, उसके कंपोजर हमारे साथ सारी दुनिया में घर घर में इस गीत को सुन के लोग शक्ति प्राप्त करते हैं। राजीव जी ने जो कमाल की बात उनको बताई, पता लग गया कि चावल इतना महंगा हो सकता है। तो इनकी जो खासियत है, जिस तरह लिखते हैं उस पर एक शेर मैं इनको कह देता हूं कि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल ना देता तो जान चली जाती। जो लोग ऐसा बेहतरीन काम करते हैं उनकी तारीफ करनी पड़ती है, नहीं तो जान चली जाएगी। उनको अपना बनना पड़ता है और उनका बनना पड़ता है। जसविंदर जी जैसा गाते हैं वो मेरे बस का नहीं है, हमने पहले भी सुना है, अभी भी सुना है। जिस तरह से आवाज कहां से कहां चली जाती है, वापस आ जाती है उस सुर में, ये तो हमसे तो बता नहीं। हमने बहुत हल्का फुल्का गाना शुरू से गाया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर किसी को प्रेम करे तो उसको सब प्रेम करने लगते हैं। तो भगवान ने प्यार कर लिया, उससे पसंद कर लिया, तो फिर हो जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि टाइम्स म्यूजिक हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत खूबसूरत काम आप सबके सामने पेश कर रहा है। गौरी जी को शुक्रिया। हवंस के प्रांगण में हम लोग हैं, ललित जी को शुक्रिया। यहां इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि गजल की मार्केट कुछ कम हो गई है, तो मैं लोगों को इसके जवाब में एक ही बात कहता हूं कि गजल देसी घी है, देसी घी को समझने वाले हजम करने वाले भी कम ही होते हैं। क्वालिटी पोइट्री है, क्वालिटी सिंगिंग है, ये हमेशा रहेगी। जो चीजें मेहंदी साहब ने गा दी, गुलाम अली साहब, बेगम अख्तर जी, जगजीत सिंह साहब, वो जब तक ये धरती है तब तक वो चीजें रहेंगी, उनको सुना जाएगा। बाकी मुन्नी तो रोज बदनाम होती है, आती है चली जाती है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा फिल्म म्यूजिक के लिए, निकला है इसलिए कि फिल्म म्यूजिक फिल्म के लिए बनाया जाता है। जब मुगले आजम बनी तो मुगले आजम के लिए गाने बनाए गए, उसी के लिए ठीक है। उमराव जान आई उसके लिए गाने बनाए गए, बिल्कुल ठीक थे। बॉर्डर आई बॉर्डर के लिए बनाए गए, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद दबंग आई तो उसके लिए बिल्कुल सब ठीक था, क्योंकि दबंग में तो वही गाने चाहिए जो दबंग टू बनाए, पहली हिट हो तो दूसरी बने। तो फिल्म का म्यूजिक आज भी उतना ही सशक्त है जितना पहले था, क्योंकि फिल्म को देखते हुए ही फिल्म का म्यूजिक बनाया जाता है। बिल्कुल सही बन रहा है। तो मैं आज के सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो फिल्म की समझ को, फिल्म को समझ कर फिल्म के हिसाब का संगीत देते हैं और वो संगीत चलता है। आज एक बार फिर जसविंदर जी को, राजीव जी को बहुत 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 बधाई गए। इतना खूबसूरत एल्बम आप सामने लेके आए, जो दो गजलें हमने सुनी बहुत पसंद आई, सबको पसंद आई। रेखा जी की तारीफ कर रही थी साथ बैठी, बहुत खूबसूरत काम है। तो मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को एंड रिक्वेस्ट जसविंदर जी एंड राजीव जी टू कीप ऑफरिंग।
ours. And adding on to the Guldasta, which is बड़ा अच्छा लग रहा है सबसे पहले कि गुलदस्ता छोटा है वरना वो पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. जसविंदर जी को बहुत बहुत मुबारक हो. फिल्मा जी के साथ मैंने काम किया है और बहुत ही गुणी कंपोजर है, सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं. तो गुणी पिता के गुणी बेटे जो कि बहुत मीठा गाते हैं, बहुत रसीला गाते हैं, बहुत सुलझा हुआ, बहुत ठहराव से गाते हैं. और जो गजलें सुनी मुझे बहुत ही मीठी लगी, बहुत ही अच्छी लगी. राजीव जी आपको भी मुबारक. टाइम्स म्यूजिक मुबारक. बस आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी. चाहूँगी कि ये गजलें सब सुने, बहुत पसंद करें और जल्दी आपका नेक्स्ट एल्बम लॉन्च हो. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. आपका टीम की ओर से फूलों से इनका स्वागत है. कुलदीप जी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, बहुत ही बड़ा फैन है. उनके कॉम्बिनेशन सुन सुन के हम जो पड़े हुए हैं, जिंदगी धूप तुम घना साया, ये गाना मैं आज भी मैं अपने जब खाली वक्त होता है तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ. इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है और इतनी शक्ति हमें देना चाहता तो पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज जी ने कोर्ट किया. हमारा जो कॉपीराइट लॉ एक्ट जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे बहुत सालों से, तो जब फाइनली पास होना था तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें एक वाक्या एक दोहराया, बताया सबको कि जब कुलदीप जी ने उनको बताया कि उस गाने से आज तक कुलदीप जी को एक भी रुपया नहीं मिला, तो उनका और ये पहला एक ऐसा वाक्या था जिसमें कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साथ में थी. और कुलदीप जी का कुलदीप उसकी बहुत बड़ी वजह है, आप भी शायद जानते होंगे, पर ये कुलदीप जी बहुत बड़ी वजह है. इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना बहुत बड़ी वजह है उस कॉपीराइट एक्ट. तो क्या क्या माशाल्लाह, कितना खूबसूरत गाते हो, कितनी वो पहली गजल में जो तुमने वो जगह ली है, जो ताने ली है और उसको इतना सहल करके गजल में लेके आना, बहुत बहुत खूबसूरत. और टाइम्स म्यूजिक का बहुत शुक्रिया कि गजल को जिंदा रखने के लिए, और बहुत शुक्रिया इस बात के लिए क्योंकि गजल को हमको जिंदा रखना है. वैसे तो गजल खुद ही जिंदा रहेगी, हम कौन होते हैं रखने वाले. और आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं, वंदना कर आवाज खाम खा. थैंक यू. तो मैं फाइनली बोस्ट कर सकती हूँ कि कुलदीप जी मतलब ऑब्वियसली सीनियर हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, पर मेरे दोस्त भी हैं. हमारी एक अलग से दोस्ती चलती है, म्यूज़िक चाय की, और वॉक पे कभी कभी मिल जाते हैं तो सुबह कुलदीप जी गाने से निकलते हैं, बताते हैं बहुत लंबा भी वॉक कर लिया. तो मेरी वो भी उनके साथ दोस्ती है म्यूज़िक के अलावा, और मैं आई रियली चेरिश एंड वैल्यू that friendship with him. And Jaswinder is contemporary and बहुत ही अच्छा गाते हैं. हर एल्बम के साथ जसविंदर के गाने की जो ऊँचाइयाँ जो बढ़ रही हैं, जो उनकी वॉइस में और मेच्योरिटी आ रही है, जो उनकी गायकी तो हमेशा ही अच्छी है लेकिन उसमें और जो उनका अंदाज़ है और जो वजन आ रहा है वो मुझे एज अ सिंगर इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. मैं कभी और थोड़ा रियाज करूँगी, एक अरतान मेरी भी ऐसी लग जाए. एंड थैंक यू गौरी फॉर डूइंग दिस. एंड राजीव आप बहुत अच्छा लिखते हैं, खासतौर पर जो आपने किस्सा सुनाया तो हम वही बात कर रहे थे, उनके हमें पता ही था बहुत ही. आपने एक हमारे उसमें एक अच्छा किस्सा सुना के हमको एजुकेट किया इस बारे में. थैंक यू. एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे इस एल्बम के सेलिब्रेशन में मुझे इसमें शामिल किया है. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी हमारी दुनिया को शुरू से खड़ी कर नमस्कार. नमस्कार. और बहुत अच्छा लग रहा मुझे खामिदा के रिलीज पर आपने यहाँ इनवाइट किया, और बहुत अच्छी थी खामा खान. तो वाकई खामा खान इतना सुंदर क्यों गा दिया आपने?
तो मैं तो चला गया पीछे अपने गुरुजी के पास में। शायद आप लोगों को नहीं पता है मेरे गुरुजी जो थे उस्ताद बड़े भोला बनी खान साहब के शिष्य थे विनोद जी, और रेखा जी के जो गुरुजी थे अमरनाथ जी, दोनों जिगरी दोस्त थे। तो मेरे गुरुजी तो बेचारे सोच से मेरे पास में ही है और अमरनाथ जी भी सोच से पास में है। और जब मैं देखता हूँ तो मैं पीछे चला जाता हूँ, गुम हो जाता हूँ। राजीव के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, मेरा भाई बहुत अच्छा लिखता है। और कुछ लाइनें मैं अभी ध्यान में था तो देख रहा था, मैं सोचा कि वो लाइन कहता हूँ कि ओदी तस्वीर मैनू मेरे अखां च दिसदी है, ओदी तस्वीर मैनू मेरे अखां च दिसदी है, अखां तो होके कन्ना दे विच कुछ कह के तुर जाती है। ओदी तस्वीर, ओदी तस्वीर मैनू मेरे अखां च दिसदी है, अखां तो होके कन्ना दे विच कुछ कह के तुर जाती है, तुर तुर के मैं पटियाले तो बॉम्बे आ गया। राजीव मुझे यही मिला है, तुर तुर के पटियाले तो मैं बॉम्बे आ गया, तो जी रहना हुजूम आ तो पा नहीं जाके। हुजूम से हम लोग भीड़ से थोड़ा दूर रहते हैं, मुझे पीआरसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर जिंदगी में खुद अपने आप को पढ़ के आया हूँ तो पढ़ाई की कितनी है तो समझ में नहीं आया। लेकिन जो उस्तादों ने, हमारे बुजुर्गों ने, इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने हमारी मिट्टी को वो फिलोसफी दी है, वो कहीं गुम हो गई। आज की जनरेशन को फिलोसफी का एबीसीडी भी नहीं पता है, तो हम जनरेशन को क्या दे रहे हैं, बात वो है। तो एक इंसान अगर इंसानियत के नाते आके यहाँ पे अगर मैं उस मैसेज की बात करता हूँ तो वो मैसेज क्या, वो दी तस्वीर मैंने मेरे अखा से दिस दी है, अखा तो हो के कन्ना दे विच कुछ कह के तुर जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या कहती है, तुर तुर के पटियाले तो बॉम्बे आ गया, तो ची रहना हो जुमा तो पर जाके होका ते ही का दिया गल्ला नु लेके बह जांदी है। आपको लगता है कि मुंबई शहर में ये जो इतने जो नामचीन लोग हैं, आप भी सब गुणी लोग यहाँ बैठे हैं, we don't have time to even think, forget about anything else, मगर जब एक जसविंदर जैसा कोई टैलेंट होता है जिसमें ये आग होती है, इतनी मेहनत होती है उसमें, जो एक एक्सेल करने की जो एक कंसिस्टेंटली जो एक उसकी जो जो प्रयास है, जो हिम्मत है, और पापा जी का तो खैर उसके सर पे हाथ है, बचपन से मैं देख रही हूँ, लेकिन जो उसने कंसिस्टेंटली जो अपने करियर ग्राफ बनाया है या उसने जो अचीव किया है म्यूजिकली एज वेल एज प्रोफेशनली, आई थिंक इट्स अनमैचेबल, अनपैरेलल, गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। गजल तो जिंदा है ही, वो चुनती है वो किसमें जिंदा रहेगी, उसने तो जसविंदर को चुना है। और हम इस अब ऐसे फेज में आए हैं, अब हम ऐसे फेज में आए हैं कि हम ये जान ले कि ये जसविंदर सिंह का युग है, इसको मान। उसको कौन जिंदा रख सकता है, यह गजल है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत जिंदा रखेगी और हमेशा रखेगी। हम लोग जब गजल गाते हैं तो उन शायरों को सलाम करते हैं जिन्होंने लिखा है। हमारी गायकी पर तो बाद में वाह वाह होती है, पहले उन शेरों को दाद मिलती है जो शेर
उन महान शायरों ने लिखे हुए हैं। तो आज खाबिदा एल्बम रिलीज़ हुआ है, राजीव राणा जी ने लिखा है, हमारे जसविंदर सिंह जी ने गाया है, जो देश के बहुत बड़े कंपोज़र कुलदीप सिंह जी के बेटे हैं। आज जसविंदर सिंह जी का नाम सारी दुनिया में है, जगह जगह वो जाते हैं, गाते हैं और उनकी गज़लों को लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आज के फंक्शन में आया हूँ और अपनी तरफ से पूरी टीम को, टाइम्स म्यूज़िक को भी और भवंस को भी अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग हमेशा अक्सर ये सोचते हैं कि गज़ल का फ्यूचर क्या है, गज़ल जिंदा कैसे रहेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि गज़ल खुद चुनती है कि वो कहाँ जिंदा रहेगी, किस में जिंदा रहेगी। और गज़ल ने खुद जसविंदर सिंह को चुना है और ख्वाबिदा इतनी लाजवाब म्यूज़िकल रसीली सुरीली एल्बम है और जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जसविंदर सिंह, क्योंकि वो कुलदीप सिंह के बेटे हैं और ख़ुद भी बहुत ही सुरीली गाते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी एल्बम है और मुझे तो बेहद पसंद आई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने सुनने वाले हैं और गज़ल को पसंद करने वाले हैं और गज़ल को जो पहली बार सुनने वाले लोग भी हैं, वो इस एल्बम को ज़रूर पसंद करेंगे, इन गज़लों को पसंद करेंगे। और ना ही सिर्फ एल्बम को, मुझे लगता है डिजिटल मीडिया आजकल जो हम लोगों की सबकी दुनिया का सबसे बड़ा एक हिस्सा है, उस पर भी मुझे लगता है कि उसकी एक बहुत एक अच्छा वायरल होगा और अच्छे गाने का ईरा वापस दौर आएगा। थैंक यू। गज़ल्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि कुछ नया सुनने को मिलता है और जो थॉट है, ऑफकोर्स राजीव ने लिखा है, सो इट्स अ वेरी डीप थॉट, व्हाटएवर ही राइट्स इज़ वेरी डीप, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सो खाबिदा आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द माइलस्टोन्स इन गज़ल्स और इसको हम बार 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 सुनने वाले हैं और वो सुकून मिलने वाला है, आई एम श्योर अबाउट दैट। गज़ल जिंदा रखना, तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉपर वर्ड होगा कि जिंदा किस चीज़ को रखा जाए। गज़ल तो आई थिंक इंडियंस के रोम रोम में बसी है और इंडियंस जहाँ पे भी बसे हैं, गज़ल्स इज समथिंग दैट दे विल ऑलवेज बी फॉन्ड ऑफ, और कोई भी जनरेशन है दे लव गज़ल्स। सो आई थिंक और अगर अच्छे इस तरह से खूबसूरत से गाने बनते रहे, गज़लें बनती रहीं, तो हम गज़ल को और खूबसूरत बना सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। हम लोग जिस दौर से आए हैं, बड़े हुए हैं, 80s में गज़ल एकदम अपने पूरे पीक पर थी, जब जगजीत सिंह साहब, मेहंदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब वो लोग रॉक स्टार्स की तरह हुआ करते थे और हम लोगों ने बहुत मुशायरे वहाँ पर आम रोज़ हुआ करते थे, उस वक्त का दौर से आए हैं। तो गज़ल से हमारी एक अलग लेवल की मोहब्बत है, एक अलग किस्म की मोहब्बत है और खाबिदा एल्बम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जसविंदर बहुत अच्छा गाते हैं इसमें, तो और बहुत अच्छा गाया है और राजीव राणा जिन्होंने लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है। मैं बचपन से गज़ल गाती रही हूँ, तो जब समझ भी नहीं आती थी पोइट्री तब भी गज़ल गाती थी, तो इसलिए गज़ल से ख़ास ख़ास रिश्ता है। और जैसा विशाल ने कहा, हम लोग कॉलेज में गज़ल सुनते हुए बड़े हुए हैं, साथ वक्त गुजारा है और जसविंदर को मैं सालों से सुन रही हूँ और हर बार उनका गाना और अच्छा होता है और ख़ूबसूरत होता है। ये एल्बम आई वुड से, क्योंकि उन्होंने कंपोज़ भी किया है इसको, खुद प्रोग्राम भी किया है, तो उनका पूरा रंग है और वो बहुत खूबसूरत रंग है। मेरी दुआएं हैं कि वो बस ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही गज़लें गाते रहें, बढ़िया बढ़िया। और राजीव राणा, आई एम हैप्पी टू डिस्कवर हिम थ्रू जसविंदर कि उन्होंने इतनी खूबसूरत गज़लें लिखी हैं। सर मैम, म्यूज़िक का जिस तरह का दौर चल रहा है उसके अंदर, जैसे मैंने सर को पूछा था कि उनकी फिल्मों में जो है झलक दिखती है गज़ल जी, तो उस चीज़ मतलब उस चीज़ को जिंदा रखना कितना ज़रूरी है, स्पेशली अगर फिल्मों की बात करें, क्योंकि सिंगल्स भी आते हैं अभी रिक्रिएट किए जा रहे हैं पुराने गानों को। आई थिंक फिल्मों में तो आ ही जाता है, बिकॉज जैसे वो बात हो रही थी कि फिल्म का म्यूज़िक जो स्टोरी बेस्ड होता है, तो उसमें कोई ना कोई सिचुएशन आती ही है। नॉर्थ की बात होगी तो भी गज़ल आएगी, एक मुस्लिम कल्चर में कुछ फिल्म में वो ऐसा रंग आएगा तो गज़ल की बात होती है। और कुछ स्पेशली फिल्म मेकर्स हैं, कुछ कंपोज़र्स हैं जो ख़ास तौर पर उनके आपको फिल्मों में और उनके म्यूज़िक में वो रंग ज़रूर दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदा रखने वाली बात को हमें कोई ख़ास
एम्फेसिस करना है. मुझे लगता है इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू रीच द ऑडियंस जो गज़लों को पसंद करती है, क्योंकि उन तक म्यूज़िक पहुंचता नहीं है. सुनने वाले हैं, हम सुनना चाहते हैं गज़लें, हम चाहते हैं फ्रेश सिंगर्स की गज़लें और नहीं सुने, तो म्यूज़िक पहुंचता नहीं है. तो वो म्यूज़िक वहां तक पहुंचना ज़रूरी है गज़ल का, वो पोएट्री और संगीत. नहीं बस बोल दिया रेखा ने, काफ़ी अच्छा बोला, बिल्कुल सही बोला, यही बात है. तो फिल्मों में तो बनते हैं सॉफ्ट गाने और बहुत फिल्मों में आ रहे हैं, बल्कि अब तो दौर बहुत अच्छा है. आप आशिकी टू के गाने देखिए, वो सब सॉफ्ट गाने हैं. अरिजीत के जो गाने आते हैं, कितने सॉफ्ट गाने आते हैं. तो सॉफ्ट म्यूज़िक दोबारा आया है तो उसमें गज़ल का रंग आता है, गज़ल का शेड आता है. नहीं बस और तो कुछ नहीं है. नहीं वो गज़ल का एक साइकिल भी होता है, वो घूम घूम के वापस आती रहती है. तो गज़ल तो कभी जाएगी नहीं, ना कभी यहाँ से गई है. फिल्म म्यूज़िक में क्योंकि अब आजकल फिर वो सॉफ्ट म्यूज़िक का दौर आया है, तो लगता है कि जसविंदर जैसे सिंगर्स से वापस गज़ल वापस आएगी. थैंक यू. गज़ल का दौर जिस तरह से चल रहा है अभी, मतलब कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो गज़ल मतलब को जिंदा रखे हुए, क्या कहेंगे सर? खाबिदा के लिए सबसे पहले तो मैं राजीव राणा को और जसविंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, टाइम्स म्यूज़िक को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जैसे आर्टिस्टों के लिए ऐसी चीज़ें लेके आती हैं जो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं. और गज़ल गायकी जो है आपकी, वो फिलॉसफी पे बेस है, फिलॉसफी का बेस है और आने वाली जनरेशन के लिए एक नई सोच है कि क्लासिकल से जब सीख के लाइट म्यूज़िक में आते हो तो गज़ल गायकी से आपका डिक्शन क्लियर होता है, डिक्शन से आपकी गाने की सफाई होती है, तलफ़ुज सही होते हैं और ये हमारी मिट्टी की एक खुशबू है जिसको ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है जो टाइम्स म्यूज़िक कर रही है. और आने वाली जनरेशन के लिए यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचाने. वेस्टर्न कल्चर हमारा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर म्यूज़िक के लिए बहुत बड़ा दायरा है. जो हमारी खुशबू है, जो हमारी गायकी है और जो हमारा गला है, वो हमारी मिट्टी का है. हम अपनी मिट्टी में जाके अगर अरेंजमेंट में अगर हम बहुत अच्छा करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा. तो हमारी मिट्टी के अंदर रह करके हम अपनी मिट्टी की बात करें तो हमारा भी ज़िंदा रहेगा और वो भी ज़िंदा रहेगा, दोनों ज़िंदा रहेंगे. क्योंकि म्यूज़िक जो है ईस्ट और वेस्ट नहीं है, म्यूज़िक ईस्ट वेस्ट पति पत्नी की तरह है. पर हम अपने आप को पहचाने कि हमारी मिट्टी में कितना कुछ है छुपा हुआ. तो बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है और सुनने वाले जो हैं, देखिए ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए आप देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेहदी हसन खां साहब का दौर अलग था, इतनी गंभीर गायकी और बेताज बादशाह गायकी, गज़ल गायकी के बेताज बादशाह. और क्या वो गा के गए हैं? गए नहीं हैं, वो यहीं हैं, उन्हीं को सुन के बड़े हुए. गुलाम अली खान साहब आ गए, उन्होंने उस चीज़ को नए तरीके से प्रेजेंट किया, वो उनका स्टाइल था लेकिन खुशबू तो मिट्टी की ही थी. जगजीत जी आ गए, उन्होंने जनरेशन को देखा, पोइट्री के अंदर में पिरो के रख दिए. उन्होंने देखा कि इसको इस तरीके से समझाएंगे तो इनको जल्दी से समझ में आएगा, जहाँ तक मैंने अपनी सोच के हिसाब से देखा है. वहीं पर हुसैन बख्श खान साहब को आ जाइए, मैं बहुत पसंद करता हूँ. हुसैन बख्श खान साहब की बिल्कुल गायकी अलग है. तो मैं अपने बचपन से ज़्यादातर सुना ही बड़े गुलाम अली खां साहब, बरकत अली खां साहब, नज़ाकत सलामत खां साहब, मेजर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां साहब, भूरे खां साहब, पंडित विनोद कुमार जी जो मेरे गुरु थे, बड़े गुलाम अली खां साहब के शिष्य, मैं उनका शिष्य हूँ. मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुओं का जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ. मेरी औकात नहीं है कि मैं दो कदम चल पाऊँ, लेकिन जो कुछ मेरे को म्यूज़िक में मिला या फिलॉसफी मिली है तो मेरे उस्ताद और मेरे माता पिता के थ्रू मिली है. तो इसलिए मैं आज की जनरेशन को कहता हूँ कि माँ बाप ने अगर आपको जन्म दिया है तो आप अपने आप को पहचानो, क्यों आए हो. फिर आपको गुरु ने दीक्षा दी है, ज़िंदगी आपको गुरु ने दी, आपकी ज़िंदगी को गुरु ने किस तरीके से पिरो के रखा, उस ज़िंदगी को समझना ज़रूरी है. ये नहीं कि मैं उसको देख रहा हूँ भाग लिए, उसको देख रहा हूँ भाग लिए. कब तक भागोगे? म्यूज़िक भागने का नहीं है, म्यूज़िक में पेशेंस चाहिए, पोइट्री में पेशेंस चाहिए, ठहराव चाहिए कि आप जो गा रहे हो आपको उसका मतलब पता है. वो मतलब जब तक हम नहीं समझेंगे गाना रह जाएगा, जिस दिन मतलब समझ जाएंगे पूरी मिट्टी निकल के आ जाएगी. बस तोची रहना की तरफ से इतना ही सा मैसेज है आने वाली जनरेशन्स के लिए कि खुद को पहचाने, अच्छा म्यूज़िक लेके आए. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कीजिए. और खाबिदा के लिए मैं टाइम्स म्यूज़िक का, जसविंदर का और राजीव राणा का तहे दिल से
शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाए और मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, लव यू गाइज, लव यू। हाँ जी, हाँ जी, देखिए बहुत कम लोग हैं हमारे देश में जो गज़ल का झंडा इस तरह से उठा के चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि जसविंदर उनमें से सबसे आगे हैं और जो परचम लहरा रहे हैं गज़ल का, और बहुत साल से लहरा रहे हैं। और मैं जसविंदर को तो लोग अब जानते हैं, अब देख रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि इप्टा से हूँ, उनके पिताजी कुलदीप सिंह जी भी सब इप्टा से हैं, तो जसविंदर को मैंने बिल्कुल बच्चे से देखा हुआ है। जब वो 2 साल का था तब भी गाना गाते सुना उसको, 5 का था तब भी सुना है, 10 का था तब भी सुना है, और आज वो जितने साल का भी है तब भी हम सुन रहे हैं। तो उसकी ग्रोथ को हमने नॉट ओनली एज अ सिंगर, एज अ पर्सन, एज अ चाइल्ड, एज अ ह्यूमन बीइंग, सारी की सारी ग्रोथ उसकी देखी है। और वो कमाल का, जिसको बोलते हैं ना कि एक, मैं ये कहूँगा कि तराश तराश के, तराश तराश के जो एक शुरू से जो कुलदीप जी ने एक हीरे को निखारा है, वो हमारे सामने हमने देखा उसको निखरते हुए, और आज वो बिल्कुल हीरा बिल्कुल बिकने के लिए बाज़ार में आया है और बहुत सारे उसके चाहने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी, और मैं बस यही कहूँगा कि मेरी बेस्ट विशेज हैं ख्वाबीदा के साथ। और हालांकि जो शायर हैं राजीव राणा जी, मैंने ज़्यादा इनको नहीं सुना है, लेकिन अब इनकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको सुनूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं गज़ल सुनने का मुझे वक्त मिले। विश हिम ऑल द बेस्ट, विश देम ग्रेट लक, गज़ल बहुत चले और पसंद आए लोग। सर क्या कहना चाहेंगे ख्वाबीदा, जिस तरह से लोग एप्रिसिएशन कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं, और गजल सर कैमरा इधर है, वो बात के कितना अच्छा लगता है आप दोनों से जाना। देखिए एक ख्वाब जो है वो मैंने और राजीव राणा साहब ने मिलकर देखा था, जिसका नतीजा ये ख्वाबीदा एल्बम है। और आज इस लॉन्च फंक्शन में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए, गेस्ट आए, हमारे दोस्त आए, सभी को जानलेवा जो हमारी गज़ल है और खामखा गज़ल बहुत पसंद आई। और मैं राजीव भाई के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं जब इनसे मिला तो इनकी शायरी ने, इनकी पोइट्री ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, बड़ा इंस्पायर किया। और इनकी एक ख़ास बात है कि आसान लफ्ज़ों में ये गहरी बात बयां कर जाते हैं, ये इनकी ख़ास बात है, और यही ख्वाबीदा की गज़लों में है। राजीव भाई, जसविंदर सिंह जी के बारे में जो सब उन हस्तियों ने बोला आप सब ने सुना होगा, इनसे अच्छा गज़ल गाने वाला आज इस दौर में हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और जिसके बारे में जावेद अख्तर साहब कह चुके हों कि जगजीत सिंह जी के बाद अगर कोई गज़ल को निभा सकता है वो जसविंदर सिंह जी हैं, तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मैं तो बस इतना कहूँगा कि इस पत्थर की खुशकिस्मती थी कि पारस के साथ आके खड़ा हो गया, तो थोड़ी बहुत चमक मेरे में भी आ गई। थैंक यू। कोलैबोरेशन कैसे हुआ आप दोनों का, क्योंकि जैसे हमने गज़ल में देखा कि काफ़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही जन में ये नहीं, बिल्कुल मैंने जैसे पहले बताया कि मैं जब राजीव साहब से मैं मिला तो इनके एक लॉन्च में मिला था, और मुझे इनकी शायरी, इनके गाने, इनकी पोइट्री बहुत पसंद आई थी, और मैंने इनसे दरख्वास्त की थी यार कि अगर कभी मौका मिले तो मुझे भी आप मौका दें, तो इन्होंने मुझे मौका दिया। और पहले दिन से ही हम जब बैठे, हमने सिटिंग की, हमें लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, और ये एल्बम बहुत ही स्मूथली, बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से इस एल्बम, ये एल्बम बनी। गुनगुनाने वाले तो ही हैं तो सर, हीरा खरीदने की और परखने की औकात हर किसी की नहीं होती ना, तो अच्छी बात है कि कम गाने वाले हैं, क्योंकि ये गाना इतना मुश्किल है कि आम आदमी गा ही नहीं सकता। जसविंदर सिंह जी गा सकते हैं, इसलिए गा सकते हैं कि कुलदीप सिंह जी के बेटे भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, और इतना रियाज़ इन्होंने किया है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे सादा से लफ्ज़ों को इनकी ज़बान मिली, इनका मधुर कंठ मिला, और उनमें भी जान आ गई। देखिए ऐसा है कि गज़ल का जो ये जॉनरा है, ये बहुत ही मुश्किल जॉनरा है, और बहुत इसमें रियाज़ की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। मैं पिछले, मुझे लगता है 20 सालों से मैं रियाज़ कर रहा हूँ, गज़ल की खिदमत कर रहा हूँ, और बस मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखें और ख्वाबीदा एल्बम को अपनी दुआओं से नवाजें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।